अब तक 12 श्रमिकें स्पेशल ट्रेन हजारों यात्रियों को लेकर रीवा स्टेशन पर आ चुकी हैं। इन्हें बसों से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। लॉकडाउन के दौरान देर से ही सही सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया। स्पेशल ट्रेनें चलाई, उनको लाने का सिलसिला लगातार जारी है। धीरे धीरे ही सही देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर सरकार ने दूसरे राज्य में फंसे हुए लोगों को लाने का निर्णय लिया, जिसके चलते स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई गई। रीवा के रेलवे स्टेशन में लॉकडाउन के दौरान किसी दिन यह नजारा बदल जाता है जब दूसरे राज्यों से ट्रेनों का आने का सिलसिला जारी होता है। स्टेशन एक बार फिर से गुलजार हो जाता है। बाहर से आए गए लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाती है, उसके बाद उनको उचित बस में बैठाकर उनके घर तक पहुंचाने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया जाता है। इस दौरान यात्रियों को खाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इस काम की मॉनिटरिंग रीवा के वरिष्ठ अधिकारी आईजी कमिश्नर स्वयं कर रहे हैं। प्रशासनिक इंतजाम जहां कमिश्नर रीवा डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव स्वयं देख रहे हैं, वहीं सुरक्षा से जुड़े सभी सवालों का उचित निराकरण आईजी रीवा चंचल शेखर कर रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों को कुछ सहूलियत भी मिल रही है। इस सब के बावजूद रीवा में बाहर से लाए गए लोगों में जो संक्रमण फैल रहा है, उसको लेकर रीवा के आम आदमी भयभीत भी नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन किसी को डरने की जरूरत नहीं है का दावा भी कर रहा है, फिर भी लोगों के बीच में कोरोना वायरस का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। सर, ये ट्रेन जो है गुजरात के भरूच से आई है, 6:30 के करीब मजबूत ट्रेन आई है। मध्य प्रदेश शासन का ये निर्देश है कि वे सारे मजदूर जो हमारे पड़ोसी राज्यों में मजदूरी भी गए थे, सबको सकुशल वापस लाया जाए। और इसके लिए हेल्पलाइन बनाई गई है और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। जो लोग बाहर हैं दूसरी स्टेट में, उन सबको यहाँ पर लाने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप भी हम करा रहे हैं, और जिसमें किसी तरह की कोई ऐसे नॉर्मल सिम्टम मिलते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था भी अलग अपने आइसोलेशन वार्ड में करा रखी है। यहाँ आते से ही उनका नाम वगैरह पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी मेडिकल चेकअप करते हैं, उनकी सबकी सूची बन रही है और सभी को उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ सब बस की व्यवस्थाएँ की गई हैं। इनसे किसी प्रकार का कोई किराया वगैरह नहीं लिया जा रहा है, ना ही बस का कोई किराया इनसे दिया जाएगा। इनको निःशुल्क मुफ्त में इनके घरों तक पहुँचाया जाएगा, और पहुँचाने के पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, गर्म ताज़ा भोजन में सबको उपलब्ध कराया जा रहा है और इनकी सुरक्षा का भी पूरा किया जा रहा है। और इसमें रीवा से के आसपास करीब 600 पैसेंजर्स आए हैं, और इनके क्योंकि ये कैसे संक्रमित एरिया से आ रहे हैं तो इनको प्रॉपर स्क्रीनिंग करके व्यवस्था बना करके अंदर जिले में लेना है। इनको अलग अलग जिलों के लिए बस भी तैयार है, तो इसके लिए एक व्यवस्था यहाँ बनाई गई जैसा आप लोगों ने देखा है। कई ऐसे लोग जो हैं जो सिम्टम जिनमें दिखते हैं उनको अलग से क्वारंटाइन किया जाता है, और जिनमें नहीं दिखता है उनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है। ट्रेन का तो हम नहीं कह सकते भाई भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं हुई है। हम लोग यहाँ पे बेशक आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन, जिला पुलिस सब लोग भोजन की व्यवस्था तैयार करके रखे हुए हैं। बच्चों के लिए कुछ सामग्री, पूरी सब्जी, जैम, इस तरह के सामान रखे हुए हैं। अभी जो ट्रेन आई है वो इंदौर से आई है, और इसमें लगभग 1500 लोग हैं, जिसमें से 200 लोग सतना के हैं और कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट के हैं, बाकी सारे लोग रीवा के हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इनके भोजन की व्यवस्था की गई है। मेडिकल चेकअप के उपरांत इनका भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कराने के बाद इनको बसेस के माध्यम से इनके घरों तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद अभी 4 ट्रेन और आनी है, जिसमें नासिक से, पुणे से, वापी से ट्रेन आने वाली है, और एक पनवेल से भी आने वाली है। उसमें ऑल ओवर MP के अलग अलग जिलों के लोग रहते हैं, तो उनको भी हम मेडिकल परीक्षण के उपरांत उनके जिले भेजते हैं। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।